मुगलपुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो अंतर जनपदीय शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया मामले का खुलासा। आपको बताते चले, मुगलपुरा थाना क्षेत्र के फैजगंज के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग अभियान के दौरान अपाची बाइक रोका गया, जिस पर दो युवक सवार थे। जब युवकों से पुलिस ने गाड़ी के पेपर मांगे तो उनके पास कागजात नहीं निकले, तो फिर पुलिस द्वारा ई चालान किया गया तो पता चला जो गाड़ी नंबर पर लिखा है वो नंबर फर्जी है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपने सारे जुर्म कबूल किए। उन्होंने बताया कि उन्हें ये गाड़ी गाजियाबाद से चोरी की थी, जिसका नंबर प्लेट उन्होंने बदल दी। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि ये शातिर चोर दूसरे जनपदों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे और इधर से उधर चोरी की माल बेच दिया करते थे, जिनको आज चेकिंग के दौरान मुगलपुरा पुलिस ने बड़ी सराहना अंदाज में इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चोरों के पास से पुलिस ने एक अपाची बाइक, तीन मोबाइल व टायर पिस्टल बरामद की है। खुलासा किया जा रहा है, क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला? ये थाना मुगलपुरा ने सराहनीय कार्य करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो मोबाइल लूट की घटना कर रहे थे। इस समय चेकिंग के दौरान इनको जब रोका गया तो इन्होंने बाइक तेजी से दौड़ाई और पुलिस ने इनका पीछा करके इनको पकड़ा गया। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि जो बाइक जो थी इनके पास वो चोरी की थी, जिसका मुकदमा थाना कविनगर गाजियाबाद में पंजीकृत है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो बताया कि इनके पास जो मोबाइल है ये भी इन्होंने लूट करी थी सिविल लाइन क्षेत्र में, जिसमें एक प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और दूसरे जो मोबाइल जो उन्होंने बताया कि लूट की घटना की हुई है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। और इनके पास से कुल तीन मोबाइल बरामद किए गए हैं, दो सैमसंग के, एक एमआई का, साथ ही एक चाकू और एक पिस्टल नुमा लाइटर इनके पास से बरामद किया गया है। और लाल रंग की अपाचे आरटीआर इनके पास से जो चोरी की है वो भी बरामद की गई है। ये दोनों अभियुक्त थाना नागफनी के रहने वाले हैं। इसमें जो एक करीम पुत्र सुभान है, हाल में दिल्ली में रहता है, वहीं काम कर रहा था। अभी मुरादाबाद आके इसने अपने दोस्त के साथ ये घटना करना शुरू किया था। एजुकेशन और क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है संजय? ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अभी हाल में ये काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज और पैकिंग का, इस तरह का इनका काम है। इनके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, इनके ऊपर पहले चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं। ठीक, थैंक यू।